नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा कि तिल पूरी कैसे बनाएं। उसके लिए हमें चाहिए तिल, 50 ग्राम चाहिए। ये देखिए, ये तिल है और इसे भूनना है। देखिए, मैं भून के रखा हुआ हूँ, तो आप भी भून लें फटाफट। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। 50 ग्राम इसमें जो है हमें तिल चाहिए, और करीब जो है 20 से 30 ग्राम हमें शक्कर चाहिए। तो ये हम इसमें डाल लिए। देखिए, ये तिल भुना हुआ है, इसको आपको कढ़ाई में भूनना है। उसके बाद इसमें मैंने शक्कर डाल दिया मिक्सी में। अब हम इसे पीसेंगे। तो इसे मैंने शक्कर डायरेक्ट डाल दिया, कुछ शक्कर को कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने जो है इसे पीस लिया। कैसे देखते हैं क्या हुआ इसमें। तो ये देखिए, बढ़िया हो गया बिल्कुल। देखिए, ज़्यादा माहिम भी नहीं करना, थोड़ा दरदरा रखना है। तो ये देखिए, ये हो चुका है। अब हमें चाहिए 250 ग्राम आटा। जो आप नॉर्मल रोटी जो गूंथते हैं, उसके लिए हमें जो है गूंथा हुआ आटा चाहिए। तो 250 ग्राम आटा ले लीजिए, उसे गूंथ लीजिए, और ये तैयार है। तो दोस्तों, देखिए, ये आटा गूंथ चुका हूँ मैं, बढ़िया। अब इसकी छोटी छोटी हम लोई बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोई बनाएंगे, इस तरह से। दोस्तों, ये इसको हम बेलेंगे पहले इस तरह से। आप चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसे बेलना है। बेलने के बाद इसमें हमें ये भरना है इस तरह से। भरने के बाद इसे हम पैक करेंगे चारों तरफ से। इस तरह से ऐसे कर लेंगे, इस तरह से। फिर से हमारे तल का गोल कर लेंगे। अब गोल होने के बाद हम इसे हल्के से प्रेस करके इसे हम पूरी का आकार देंगे। दोस्तों, ये मैं इसको तेल की सहायता से इसे गूथ रहा हूँ, मतलब बेल रहा हूँ। अगर आप के पास जो है अगर सूखा आटा है, तो आप सूखा आटे से भी कर सकते हैं। तो इसको हम बेल लेंगे हल्के हाथों से। दोस्तों, ये हम बेल चुके हैं। अब हम इसे तलेंगे। तो तलने के लिए हमें तेल चाहिए, तो हम ये तेल गरम करके रखे हुए, मध्यम आंच में आप भी रख सकते हैं। दोस्तों, तैयार हो गई है। देखिए, इसको हल्का सा, आँच आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। दोस्तों, ये आपकी पूरी तैयार हो गई है। तो दोस्तों, ये पूरी तैयार हो गई है। आप इसे आप प्रसाद के रूप में भी चढ़ा सकते हैं, ऐसे नाश्ते में भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर खाइए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बनाने के बाद कि कैसा लगा आपको। कोई समस्या हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये तिल पूरी तैयार है, मीठी है, स्वीट डिश है, तो ज़रूर इसे खाइए। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।